इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स पेज पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आज का मुद्दा बहुत अहम है, इसीलिए निखिल चोपड़ा सर हमारे साथ हैं, नितिन भारद्वाज भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मुद्दा बता दूं, आपने क्रिकेट में बैट्समैन के लिए रनर देखा होगा और बल्लेबाजों के लिए बल्लेबाजी करते हुए भी हमने देखा पिछली सीरीज में एक बल्लेबाज नया एक रूल आया है, लेकिन आपने कभी देखा किसी कप्तान के लिए टॉस कोई दूसरा कप्तान करता नजर आए? कुछ दिवाली का मौसम चल रहा है, किस्मत ही बदल लूं और कहने किस्मत बदल लूं कुछ ऐसा ही हुआ। प्रॉक्सी कप्तान, पहली बार क्रिकेट में एक नया नाम जुड़ा है, प्रॉक्सी कप्तान। बहुमा आए थे आज फाफ डुप्लेसी के साथ टॉस करने, लेकिन सर कुछ फायदा हुआ नहीं, लगातार एशिया में 10 ओवर। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कहावत है, फ्लिप द कॉइन, कहीं भी जा सकता है। बट फैफ इतने टॉस हार गया था, उसको लग रहा था कि भाई टॉस अगर हार जाता तो मैं मैच भी हार जाता हूँ। अरे गुरु, टॉस हारने से मैच नहीं हारते, खराब खेलने से हम मैच हारते हैं। तो टॉस के ऊपर मत इतना कॉन्सेंट्रेट करो अच्छा खेलने के लिए। जिस तरीके से पहले सेशन में बॉलर्स ने बॉलिंग की है, वैसे ही अब बैट्समैनों को भी जिम्मेदारी निभानी होगी। लेकिन पहले स्पेल के बाद बाकी कौन सा ऐसा बॉलर है जो भारतीय बैट्समैन को तंग कर रहा है? बिल्कुल आपने एकदम ठीक कहा सर, टॉस इतना, लेकिन सर टॉस जरूरी क्यों होता है इतना, मतलब मानसिकता यार? ये बड़ा है ना, एक बड़ा सटीक मुद्दा है और हमारे सब व्यूअर भी इसको समझेंगे। आपको याद होगा शायद साल भर पहले की बात है, जब बड़ी चर्चा हो रही थी कि टेस्ट मैचेस को इवन करने के लिए टॉस हटा देना चाहिए, जो टूरिंग टीम है उनसे पूछ लेना चाहिए आप क्या करना चाहेंगे। अब मैं बताता हूँ टॉस की अहमियत क्या है। टॉस की अहमियत ये है कि आज अगर मैं फैफ डुप्लेसी हूँ और मुझे टॉस नहीं करना, तो मैं पता है इतनी अच्छी विकेट है, सेकेंड इनिंग में टूट जाएगी दूसरे दिन या तीसरे दिन, तो मैं एक अतिरिक्त बैट्समैन खिला लूँगा जी। ठीक है, अब मैंने 550 रन बनाने के लिए मैंने 6-7 बैट्समैन खिला लिए, 4 बॉलर से मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि विकेट जो है बाद में मदद करेंगे। अब जब आपको टॉस के लिए पता है कि अगर मैं टॉस हार जाता हूँ तो सामने वाली टीम 550-600 रन ना बनाए तो मुझे एक पांचवा गेंदबाज खिलाना पड़ेगा। तो आप एक या दो खिलाड़ी उस तरीके से भी अपनी रणनीति में शामिल करते हैं या गेम प्लान बनाते हैं, अगर टॉस हार गया फिर क्या? दोनों चीज़ सोच के रखते हैं, दोनों चीज़ एक तरफा नहीं हो सकता, और ये क्रिकेट में बहुत ज़रूरी है टॉस, तभी तो बैलेंस बना रहता है और यही तो मज़ा है। आप एक टीम का एक सक्सेस रेट तभी नापते हैं कि वो अवे सीरीज में क्या करता है। जैसे भारत दक्षिण अफ्रीका में जीता है या ऑस्ट्रेलिया में, हम लोग वहाँ जाके जीते थे अवे कंडीशंस में। ऐसा तो है नहीं कि टॉस आप हार गए तो मैच ही हार जाएंगे, आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और टेस्ट मैचेस में टेस्ट मैच जीतने के लिए सेशन बाय सेशन, एक दिन में 3 सेशन होते हैं यानी कि 2 घंटे का खेल, आपको वो छोटे छोटे सेशन जीतना होता है तभी आप टेस्ट मैच जीत पाते हैं। टॉस की वजह से नहीं, हाँ टॉस से फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन अंत में आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी है। नितिन भैया, विराट के पास कौन सा सिक्का आ गया चमत्कारी? सिर्फ टेस्ट सीरीज हम फाफ डुप्लेसी आ रहे हैं, अरे वो शोले वाला कौन सा था? है दोनों तरफ है, मुझे भी कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है कि ये सिक्के में कुछ गड़बड़ है, ये गबर वाला, ये सिक्के में गड़बड़ नहीं सर, सोच में गड़बड़ है। हमने ये सोच लिया अगर हम टॉस हार जाएंगे तो हम मैच हार जाएंगे। आप देखिए, आप पहले स्पेल में कितनी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन पहले स्पेल के बाद एकदम बिखरी हुई नजर आई। कोई टॉस का मतलब इतना मायने है, हम मानते हैं कि टॉस मायने रखती है, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि आप दूसरे प्लेयर को भी लेके आ रहे हो टॉस के लिए कि किसी तरह टॉस जीता जाए, शायद ये इसका लक मेरे साथ काम कर जाता है, तो ये एक दिमागी खेल चल रहा है फाफ डुप्लेसी के साथ। अगर वो ये चीज़ से निकल जाएंगे तो शायद मैच जीतने की कोशिश करें, और वो बड़ा फ़र्क भी पड़ता है जो आपने कहा ना निधन में, वो बहुत सही सटीक कहा। क्योंकि अगर आप पहले टेस्ट मैच में देखें उसके बाद दूसरे टेस्ट मैच में देखें, टॉस में जब कप्तान जा रहा होता है आपने ये हरकत कर करके ना ड्रेसिंग रूम में ये माहौल बनाया होता है कि सभी खिलाड़ी ऐसे करके देख रहे होते हैं कप्तान को, और कप्तान का रिएक्शन क्या होता है टॉस हार के ऐसे करके ना ऐसे। अब उसने क्या किया, उसने मैसेज भेजा बीच में से टॉस से कि यार ये तो मैच हार गया, ड्रेसिंग रूम में आधे खिलाड़ी वैसे ही पास। आपको इस सोच के जाना चाहिए, इस सोच के साथ जाना चाहिए, चाहे जो भी हो एज अ लीडर टीम को लीड कर रहे हो, यार टॉस वॉस को मारो, गोली देखी जाएगी जो आप एज बैट्समैन के लिए बैटिंग के लिए तैयार रहिए, और एज बॉलर बॉलिंग करने के लिए स्पेल के लिए आप तैयार रहिए, जो भी होगा अच्छी क्रिकेट खेलनी है, तब तो बात सही समझ में भी आती है। आप पहले ही ऐसे बॉडी लैंग्वेज कर लेते हैं कि पहले ही हार गए, एकदम ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि दूसरे सेशन में जिस तरह देखे बॉडी लैंग्वेज, कंधे गिरे हुए हैं, स्पिनर्स को ले आते हैं। आप देखिए जब टी के बाद सेशन जो शुरू हुआ तो स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर आगे गेंदबाजी करने लगे, जबकि आपको 3-4 ओवर लगते हैं किसी भी बैट्समैन को वापस रिदम में आने के लिए। तो जो आपके बेस्ट बॉलर हैं उनको आप पहले लाइए, उनसे अटैक कराइए, बावजूद इसके कि आप स्पिनर ले आए, लंच के बाद स्पिनर ले आए,
मुझे लगता है कि वहाँ पे ना दक्षिण अफ्रीका में बड़ी दिक्कत चल रही है टीम को सिलेक्शन करने के लिए, 11 में खिलाने के लिए, उनका जो कोटा सिस्टम उनको मार रहा है, प्लस दक्षिन अफ्रीका बोर्ड की अपनी दिक्कतें हैं, बहुत से खिलाड़ी चले गए, संन्यास ले लिया जी, और बहुत से खिलाड़ी चले गए लीग में, भाई उनको भी अपने घर का किचन चलाना है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, हर शख्स को अपने बारे में सोचना भी ज़रूरी होता है, तो दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को कुछ सुधार करना होगा। बिल्कुल सुधार करना होगा, लेकिन सर विराट ने तो सुधार किया है ये तो आप मानेंगे। इंग्लैंड गए थे आपको याद होगा, जो रूट से टॉस पे टॉस हार रहे थे, एक भी टॉस नहीं जीते, एक भी मैच नहीं जीते, और अब ऐसी कंडीशन हो गई है कि T20 में भी टाइम थोड़ी लगता है, लेकिन विराट को देखो ना, टॉस हारने के बाद भी वो मुकाबले जीतता है, उसने अपनी टीम ने बाहर जाकर मैचेस जी हाँ, उसने अपनी टीम की तैयारी ऐसे की है, फास्ट बॉलर्स को किस तरीके से रोटेट करा के फ्रेश रखते हैं, बैट्समैन के साथ किस तरीके से वो कंधे से कंधा मिला के जिम्मेदारी निभाते हैं, अगर एक तरफ से विकेट गिर रही है तो वो ऐसा एक योगदान देते हैं जो अपनी टीम को लगभग मुकाबले को जीत के दहलीज पे खड़ा कर देते हैं, तो ये दर्शाता है कि सामने वाला लीडर जो है ना, उसमें जो ऊर्जा भरी हुई है, एनर्जी जो है वो जीत वाली है यार, वो ही होना चाहिए। और विराट कोहली थोड़े निडर फैसले भी लेते हैं, अगर उनको लगता है कि कोई बैट्समैन नहीं चल रहा है 3-4 बार, तो सीधा उसको बाहर करा देगा, नए बंदे को ले, आप अपने देश के लिए खेल रहे हो, रोहित शर्मा को भी लाया गया, लगातार ओपनिंग में एक्सपेरिमेंट होते रहे, लगातार वन डे में चौथे नंबर पांचवे नंबर को लेकर एक्सपेरिमेंट होते रहे, तो वो फैसले लेते हैं, वो तो मेरे ख्याल में फॉलो ऑन खिलाया साउथ अफ्रीका को, वो तो समय था, वो KL राहुल को भी हमें सबको पता चल गया था, वही वेस्ट इंडीज में आपने अपने मौके जो अपॉर्चुनिटीज मिली उसका आपने दोनों हाथों स्वीकार नहीं किया, यूज नहीं किया। रोहित शर्मा बहुत बढ़िया प्लेयर है, हमको उसी टाइम लग गया था कि यार अब वन डे तो ओपन कर ही रहा है, टेस्ट मैचेस में भी ओपन करेगा और काफी ओपन कर। अब मेरे को लग रहा है कि चौथा टेस्ट मैच है नहीं सर, नहीं तो फॉफ डुप्लेस लग रहा है, पूरी टीम को ले आते हैं, किसी का तो लक चल जाए, सारे मिलके बोलो हेड या टेल, बेस्ट ऑफ थ्री कर लेते हैं, वो भी हार के बेस्ट ऑफ फाइव कर लो, बेस्ट ऑफ थ्री में भी तीनों टॉस हार गए हैं 3 टेस्ट मैचों के। तो फिलहाल इस चैट में इतना ही, और आप लगातार इंडियन स्पोर्ट्स पेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, लगातार अपडेट आती रहेगी, और आप अपनी भी राय एक बार भेजिएगा कि आपका क्या मायना है टॉस को लेकर। ठीक है, आप निखिल सर ने बोला है तो आपने सवाल भी भेज सकते हैं और जवाब कल निखिल सर आपको जरूर, बिल्कुल दगादग।